सालों पुरानी बवासीर और कब्ज चार दिन के अंदर खत्म करने के लिए एक घरेलू टोटका आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। इस घरेलू टोटके के सिर्फ और सिर्फ चार दिन के अंदर अंदर सालों पुरानी आपकी जो कब्ज है जड़ से खत्म हो जाएगी, और इसके अलावा जो है खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो या मौकों वाली बवासीर हो वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आजमूदा घरेलू टोटका है जो आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप इस घरेलू टोटके को इस्तेमाल कर सकते हैं, और सालों पुरानी बवासीर हो या कब्ज हो, जिस मर्जी किस्म की आपको बवासीर का मसला हो, सिर्फ और सिर्फ चार दिन के अंदर इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक के करम से ये जो आपके मसले हैं हल हो जाएंगे। बहुत दिनों से आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएं, तो आज आप सबके साथ में ये घरेलू टोटका शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो को कर लेना है आपने सेव, ठीक है। अगर आपको ये मसला है आप लोग इसको लाजमन इस्तेमाल कीजिएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि हमेशा की तरह आप सबको पता है कि मेरी वो आदत नहीं है चंद व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए लोगों के साथ जो है मैं फजूल किस्म के टोटके शेयर करती रह जाऊँ, क्योंकि मेरी अपनी पब्लिक से होती रहे, मेरी इस तरह की कोई सोच नहीं है। मैंने हमेशा आप सबके साथ वो घरेलू टोटका शेयर किया है जो कि मैंने बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करवाया है, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, या फैमिली में किसी न किसी ने कोई घरेलू टोटका इस्तेमाल किया हुआ है, बाहर मतलब किसी न किसी को घरेलू टोटका वो मैंने लाजमन बताया हुआ है, किसी एक को नहीं बहुत सारे लोगों को ये मैंने घरेलू टोटके बताए हुए होते हैं और उनकी तरफ से बहुत अच्छे रिव्यूज़ होते होते हैं। तो इसीलिए वही मैं आप सबके साथ घरेलू टोटके शेयर करती होती हूँ जिनके माशाल्लाह से अच्छे रिव्यूज़ होते हैं और अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। और ये जो घरेलू टोटका है इसको जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होगी जिसको आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। कोई ऐसा वैसा चक्कर नहीं है कि ये भी ले आओ वो भी ले आओ, ये भी ले आओ वो भी ले आओ, ढूंढने में ही आपका दिल उठ जाए कि ये भी नहीं मिल रहा वो भी नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने हमेशा आप सबके साथ वो घरेलू टोटके शेयर किए हैं जिनकी चीज़ें आप लोग बड़ी ही आसानी से किसी भी सिटी से आप बड़ी ही आसानी से ले सकें। हमेशा की तरह आज भी मैं आप सबके साथ वो घरेलू टोटका शेयर कर रही हूँ। इसका एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर घर में मौजूद होता है, अगर ना भी हो तो इजीली किसी भी हकीम की दुकान से, किराने के स्टोर से इजीली आप लोगों को ये चीज़ मिल जाती है, और बहुत ही कम पैसों में, कोई हज़ारों रुपए आपके खर्च नहीं होने हैं, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये या 100 रुपये। अगर 50 रुपये से 100 रुपये से जो मसला आपका बड़े बड़े लोग हल नहीं कर पाए हैं, बड़े बड़े घरेलू टोटके, बड़ी बड़ी दवाइयाँ हल नहीं कर पाई हैं, खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो या मौकों वाली बवासीर हो या फिर कब्ज़ हो, सही है, ये सारे मसले ऐसे गंदे नमूजी मसले हैं कि इनको ख़त्म करने के लिए बाज़ुकात लोगों की पूरी ज़िंदगी ही गुजर जाती है और पैसा भी बड़ा बर्बाद करते हैं फिर भी आराम नहीं आता, सही है। तो बड़ी ही आसान चीज़ है जो आप सबके साथ में शेयर करूंगी, जिसको आप बड़ी ही आसानी से सुबह दोपहर किसी भी टाइम इस्तेमाल करेंगे और इन मसलों से हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। जी हाँ, है भी इसका परमानेंट रिज़ल्ट, दोबारा ये आप लोगों को मसले नहीं होने वाले हैं। करना क्या है कि आप लोगों ने, अच्छा सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताने जा रही हूँ कि ये तीनों ये जो कब्ज़ का मसला है या बवासीर वगैरह का जो मसला है ये होता क्यों है, किस वजह से होते हैं ये मसले। देखिए, ये जो आप पुट्ठे सीधे खाने खाते हैं या फजूल किस्म की आप लोगों की डाइट वगैरह होती है, खाने पीने का ख्याल नहीं रखते हैं, जो मिल जाए खा लिया, सही है, चाहे वो चिकनाहट वाले खाने हो, चाहे वो बायबादी खाने हो, जो लब जाए मतलब खाना ही खाना होता है। तो ये मतलब खुदारा एक बात का अच्छी तरह से ख्याल रखें कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से अता किया वो बहुत हसीन एक तोहफा है, तो इसकी कदर करो, सही है। बेशक इस दुनिया में जो भी चीज़ बनी है इंसान के खाने के लिए बनी है, लेकिन एक लिमिट में रहकर खाया करें, सही है। तो कुछ लोग तले हुए खाने बहुत खाते हैं, कुछ लोग बाहर के खाने बहुत खाते हैं, या कुछ लोग जो है बायबादी खाने बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो कुछ भी खाया पिया करें, लिमिट में खाया पिया करें, सही है, अपने खाने पीने का ख्याल बहुत रखा करें, सही हो गया, और अवॉइड किया करें हर उस बुरी हरकत से, बुरे काम से जिससे जो है आपकी सेहत को किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचे, सही है। अब बढ़ते हैं हम अपने टोटके की तरफ। तो अच्छा, सबसे पहले तो एहतियात मैंने आप लोगों को बताई है, सही है,
और दूसरे नंबर पर जो है मैं आपको बता रही हूँ वो है तुत मलंगवा। सही है, तुत मलंगवा भी इसको बोलते हैं, तुत मलंगवा भी इसको बोलते हैं। देखो जो हमारा इलाका है ना वो है पंजाब का इलाका, तो पंजाब के इलाके में सिटी मुल्तान में जो है इसको तुत मलंगवा बोलते हैं। अगर हम बड़े शहरों की बात करें, इस्लामाबाद या कराची या लाहौर, इन शहरों की बात करें तो यहाँ थोड़े और मतलब लैंग्वेज के लोग रहते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की ज़बानें होती हैं, फिर हर किसी की ज़बान में अपनी अपनी मतलब वो होती है, होते हैं चीज़ों के नाम। तो तुत बलंगवा जो है आप लोगों ने लेना है, या ये तुत बलंगवा जो होता है ये काले काले दाने होते हैं, अक्सर ये शरबत में भी यूज़ होता है और इसके अलावा जो है ये फालूदा के अंदर भी यूज़ होता है। मैं उस तुत बलंगवे की बात कर रही हूँ। सही है, तो ये आप लोगों ने जो है किसी भी दुकान से 100 रुपये का या 50 रुपये का ले लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। इस्तेमाल करना तो ले लीजिएगा, लेकिन इन मसलों के लिए सिर्फ 4 दिन ही इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, तुत बलंगवे को जो है सुबह दोपहर शाम जब भी आपको याद है, आपने अच्छी तरह से पहले इसको जो है एक खाने का चम्मच, जिस चम्मच से हम लोग चावल खाते हैं उस चम्मच, वो जो है तुत बलंगवे का भर के आपने हथेली पे डाल के ऐसे रगड़ रगड़ के ना, ऐसे मसल मसल के जो है आपने इसको अच्छी तरह से मसल लेना है। सही है, ताकि मिट्टी के छोटे छोटे दाने होते हैं ना वो आपकी हथेलियों पर वो भुर जाए, सही मिट्टी ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने तुत बलंगवे को धोना है, धोने के बाद जो है इसके साथ जो है आपने एक गिलास नीम गर्म दूध का लेना है, उबला हुआ दूध। सही है, नीम गर्म दूध का एक गिलास आपने लेना है और उसी के अंदर ये जो तुत बलंगवा धुला हुआ है ये आपने डाल देना है। सही है, उसके बाद इसको अच्छी तरह से आपने करना है मिक्स। मिक्स करने के बाद 2-3-4 मिनट के लिए आपने इस तरह से मिक्स करते रहना है, उसके बाद आपने मिक्स करते करते घूंट भर भर के पी लेना है। सही, और साथ में तुत बलंगवे को आपने चबाते भी रहना है और उसके बाद जो है आप घंटे या आधे घंटे बाद, 2 घंटे के बाद कुछ भी खा लें, सही हो गया। लेकिन एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। पराठों, अगर आप पराठे बहुत ज़्यादा खाते हैं अवॉइड करें, बारबेक्यू बहुत ज़्यादा खाते हैं अवॉइड करें, और लाल मिर्ची वाले खाने बहुत खाते हैं तो अवॉइड करें। सही, काली मिर्च के अंदर बना हुआ खाना बहुत इंसान की सेहत के लिए सही होता है, लाल मिर्च जो है वो कभी कभार, लेकिन लाल मिर्च सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। मतलब इसके अलावा जैसे कि चावल वगैरह कुछ लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, आलू वगैरह बहुत इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों से भी थोड़ा सा अवॉइड किया करें। समोसे वगैरह पकौड़े वगैरह लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। सही है, तो खाया पिया करें, जो भी है खाने पीने के लिए बना है खाया पिया करें, लेकिन थोड़ा लिमिट में रखे खाया करें, महीने में 1-2 बार, दैट्स इट। बाकी जो है इस वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये मसला 99% या 80% लोगों को ये मसला है, क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेजेस कमेंट्स आते हैं कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएं। तो इसलिए जो है आप लोगों ने सदका जारिया समझ के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हमारे घरेलू टोटके से फ़ायदा उठाएँ, उसका अजर आप लोगों को भी मिले और हमें भी मिले। सही है, और आप लोगों के लिए घरेलू टोटके पर वीडियो बनाने के लिए मैं जनाब बैठी हूँ आके गर्मी में, क्योंकि एसी जो है वो भी चल नहीं रहा, तो पसीने से सच बताओ मेरा तो बुरा हाल हुआ है, टिप टिप पसीना गिर रहा है। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मेरे बेटे ने भी अल्लाह हाफिज़ बोल दिया। अल्लाह हाफिज़ हो गया। यस यस यस, हो गया। देखिए पसीना कितना आ रहा है, अल्लाह माफ़ करे।